तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में यहाँ पर देखा होगा कि मैंने यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसमें आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर राशन कार्ड ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन करने के लिए। तो उसमें आपको एक करेंट यानी कि वर्तमान का यानी कि साल भर के अंदर का इसमें आपको आवासीय प्रमाण पत्र जिसको रेसिडेंस सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है वो अप्लाई करना है। वही यहाँ पर आपको देना है करेंट का यानी कि जो आपका करेंट का होगा वर्तमान का निवास प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं या रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं वो रहेगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपको निवास प्रमाण पत्र घर बैठे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पर चले आना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप अपना राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप राशन कार्ड भी बना सकते हैं। तो उसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन है यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन के सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। पेज इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको पहले यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाने पड़ेगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसके माध्यम से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड घर बैठे बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा, ये जो कैप्चा लिख रहा है यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप कर लेना है जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद लॉगिन का सेक्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे। आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से पेज में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर आपको मेनू का सेक्शन है इस पर आपको अप्लाई फॉर सर्विस वाला पर क्लिक करना है। इसके बाद व्यू ऑल सर्विस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज ढेर सारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, इस वाले बॉक्स में आपको टाइप करना है रेसिडेंस RESI। इस तरह से टाइप करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन में से यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट जहाँ भी लिखा होगा उसमें से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है रेसिडेंस सर्टिफिकेट DM और यहाँ पर RO और इसके बाद STO। तो आपको ज़रूरत पड़ेगा RO लेवल का यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र जिसको आवासीय बोलते हैं। तो इस सेकेंड वाला ऑप्शन है जो दो नंबर है इस पर क्लिक करना होगा। दो नंबर वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे तो RO लेवल यानी अंचल से यहीं से बनता है जो ब्लॉक में आपको बनाया जाता है निवास प्रमाण पत्र। तो इस तरह से पेज आपको ओपन हो जाएगा, जो डिटेल यहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन शो कर जाएगा। तो मेरा पेज इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर सर्वर आपका सही चलेगा तो आपको जल्द ही ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद यहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। तो भरने के लिए यहाँ पर अपना लिंग पहले सिलेक्ट करेंगे, आप पुरुष हैं या महिला हैं तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और जिस भी व्यक्ति का अगर राशन कार्ड में देना है तो यहाँ पर महिला का ही अप्लाई करेंगे, महिला का जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक कोई किसी का भी बना देता हूँ। जिस तरह से आप महिला का बनाएंगे उसी तरह से पुरुष का भी यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अभिवादन का नाम सिलेक्ट करेंगे, श्री या जो भी होगा आपका आपके अनुसार। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में और नाम लिखने के बाद जैसे ही स्पेस पर क्लिक करेंगे टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर फादर का नाम, उसी तरह से यहाँ पर हिंदी में फादर का नाम आ जाएगा यहाँ पर टाइप करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ पर हिंदी में माता जी का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हस्बैंड नेम छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी अगर होगा तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी जिला से आप होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इतना पहले डिटेल फिल करके यहाँ पर प्रोसेस शो कर देता हूँ। तो मैं वहाँ तक सारा डिटेल अभी तक फिलअप कर दिया हूँ यहाँ से। और यहाँ से डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको पंचायत का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो, अगर नगर निगम से होंगे यानी शहरी क्षेत्र से तो यहाँ पर नगर निगम पर क्लिक करेंगे या टाउन वाले पर। तो मैं ग्राम से हूँ तो यहाँ पर ग्राम पंचायत वाले पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं तो छोड़ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आना, पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पंचायत है यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर गांव का नाम लिखना है, अपने गांव का जो भी नाम होगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, इसके बाद यहाँ पर थाना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका थाना होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना होगा,
फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर आधार नंबर डालने का सेक्शन है, तो यहाँ पर आप छोड़ देना है, आपको आधार नंबर नहीं डालना है। अगर आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर OTP आपको आगे की मांगेगा, तो यहाँ पर आप आधार नंबर नहीं डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर अस्थाई पता है या अस्थाई है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपना। जैसे मैं अस्थाई हूँ तो अस्थाई पर क्लिक करूँगा। आवेदन का उद्देश्य यहाँ पर लिखेंगे, आप राशन कार्ड में देना चाहते हैं या लिखेंगे राशन कार्ड। इसके बाद आपको आना है नीचे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा है, इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए डिटेल फिल करके आपको शो कर देता हूँ। तो मैं अपना सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर आप शुरू से देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद फोटो इस तरह से लगा लेंगे। फोटो लगाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए उद्देश्य में आ पाएंगे। यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से टाइप करके, और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा इस तरह से फिलअप करेंगे। इसके बाद प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर पेज आगे का इस तरह से मिलाने के लिए ओपन हो जाएगा। अभी तक आपने जो भी डिटेल पिछली वाले में फिल किया होगा, वो डिटेल आपको सारा डिटेल यहाँ पर मिलाने के लिए आ जाएगा। आप डिटेल पूरी तरह से मिला लेंगे, मिलाने के बाद ही आप सबमिट करेंगे। अगर डिटेल आपका सही नहीं होगा तो यहाँ पर एडिट का सेक्शन है, इस पर क्लिक करके आप अभी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद अगर चाहेंगे अगर अटैच एनेक्सर करने के बाद तो यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे, अपना सारा डिटेल मिला लेंगे, इसके बाद ही यहाँ पर आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए मेरा डिटेल सही, अटैच एनेक्सर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक आधार कार्ड का यहाँ पर लगाना है, आपको प्रूफ में देना है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो भी होगा आप अपने अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारा पेज ओपन होता है यहाँ पर ऑप्शन के लिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में इतना सारा कोई भी डॉक्यूमेंट आप कोई भी इनमें से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको आधार कार्ड ले लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना आधार कार्ड डाल चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेव एनेक्सर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेज आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मैंने शुरू से लेकर अभी तक जो भी डिटेल फिलअप किया है सभी डिटेल यहाँ पर मिलाने को मिल जाएगा। आप फिर से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि लास्ट प्रोसेस सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको पेज एक रिसीविंग प्राप्त होगा, जो आपको इस तरह से रिसीविंग मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर सारा डिटेल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेरा रिसीविंग भी यहाँ पर प्राप्ति हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि वेट करना है कि आपको कब तक यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आवेदन की तिथि, यहाँ पर लिखा गया है किस तारीख को मैंने अप्लाई किया है, और आपको देखिए आपको मिलेगा कब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इस वाले सेक्शन पर आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा प्रदान करने की तिथि, यहाँ पर 8/2/2022 को मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपना डाउनलोड करने के लिए आप अगर चाहते हैं वीडियो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए वीडियो बना दूंगा, जिससे आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी आप लोग राशन कार्ड में देना चाहते हैं सभी राशन कार्ड में दे सकते हैं, या कहीं भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।